हेलो 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 नर्स सपना. हाँ. मुझे लग रहा है इसकी कमजोरी की वजह से इसकी आंखों की रोशनी जाने वाली है. अच्छा. अरे मुझे सब ठीक ठीक दिखाई दे रहा है. अच्छा फंबल भी मारते है तो बहुत अच्छा. फंबल मारा. अच्छा फंबल की दवाई लिखो. फंबल फंबल नहीं मारा. फंबल की दवाई. फंबल की दवाई खिला. फंबल का सर्जिकल ऑपरेशन होगा. अरे ये हमारा फंबल काटे. सुनो मेरी बात. ये बता अमेरिका में क्या चल रहा है बता. मुझे नहीं मालूम अमेरिका में क्या चल रहा है. मुझे यहाँ से कैसे पता चलेगा. इसकी नजर ठीक नहीं है. अरे नजर ठीक है मेरी. ठीक है. अरे क्या ठीक है. तेरी नजर चेक करनी पड़ेगी. ऐसे कोई नजर चेक करता है क्या. उसके लिए बोर्ड जरूरी होता है. हाँ तो बोर्ड है हमारे पास. हम क्या भिखारी दिखते क्या तेरे को. बोर्ड है हम लोग के पास में. इधर आओ. अभी ये डॉक्टर इसको पढ़ना पड़ेगा. हाँ पढ़ो पढ़ो इसको पढ़ो. इसमें बता क्या लिखा है. मुझे धुंधला धुंधला दिख रहा है. तो मैंने कहा ना. अभी ये वाला पढ़. मुझे धुंधला धुंधला दिख रहा है. देखा. अब तो मैंने पहले कहा था तेरी नजर कमजोर है. नीचे वाला पढ़ो. नीचे वाला पढ़. मुझे धुंधला धुंधला दिख रहा है. नजर कमजोर है. नजर कमजोर है. नजर कमजोर है. चलो इधर आओ. अरे इधर आओ. इधर आओ. अभी इधर बैठो. इधर मुंह खोलो अपना. मुंह खोलो. हाँ एक तो बीमार है. ऊपर से जीप दिखा के डॉक्टर को चिढ़ाते है. तो मुंह कैसे खोलते है. ऐसे ऐसे. इसका बुखार चेक करना होगा. कैसे करते मेरे को भूल गया. मैं करता हूँ. रुको. भाग गया. रुको. ये है. तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा थर्मामीटर जुटा करने की. मारो मत. अपना अपना थर्मामीटर घर से लेके चला करो. इसका ये खींच पटाखा. इसके पटाखा मारे से. कोई थर्मामीटर घर से लेके आता है क्या. अच्छा 100 किलो का शरीर लेके घूम सकता है. छोटा सा थर्मामीटर नहीं रख सकता है अपने पास में. इसका डॉक्टर साहब इसका चेक करना पड़ेगा हम लोग को. जाओ. अच्छा इधर आओ. इधर आओ. इधर आओ. तुम्हारी शर्ट भी फट गई है. इधर बताओ. तुम्हें इसका बुखार चेक करते हैं. एम्ब्रॉयडरी भी हम करते हैं. अगर तुम्हें शर्ट सिलवानी है तो बताओ ये कितना रखे. ये क्या कर रहे हो आप. अरे अच्छा हम डॉक्टर. सॉरी डॉक्टर हम लोग. बता नहीं सकता हम डॉक्टर है. इसका बुखार चेक करने का है. बुखार चेक करो. इसको 2.25 मीटर बुखार है. 2.25 मीटर. 1 मिनट. अरे 2.25 मीटर बुखार. अब ये भी बता दो किस टाइप का बुखार है. कॉटन है सिल्क है जॉर्जेट है शिफॉन है. अरे तुम जिस तरह से बात. मुझे घबराहट हो रही है. मुझे घबराहट. ए, ए, इतने बड़े शो में आए तेरे को खुशी होनी चाहिए. घबराहट हो रही है तेरे को. बकवास कर रहा है. इधर बैठो. लंबी सांस लो. ओए ओए 3000 रुपए की सांस खींच ली. 3000. हाँ हमारे यहाँ इधर तो सांस फ्री है. हाँ वो तुम्हारे उधर होती होगी. इधर 1000 रुपए की 1 मिनट आती है. हाँ सही बात है. इसको निकालो. सांस का हमारा पैसा दे वरना हमारा सांस वापस कर इसमें. ये है नहीं वो है नहीं. अरे डॉक्टर. अरे इसने तो पी रखी है. हाँ इस पे ड्रिंक एंड ड्राइव का चलान लगा आरटीओ साहब. ड्रिंक एंड ड्राइव. मैं कहाँ ड्राइव कर रहा हूँ. मैं बैठा हूँ इधर. लेकिन ड्रिंक तो तुमने की है. ये लो पेन ड्राइव. लिखो इसका ड्रिंक एंड पेन ड्राइव का चलान. ड्रिंक एंड ड्राइव. अब तेरा बचना मुश्किल है. इसको शॉक देना पड़ेगा. शॉक किस लिए. अभी तेरे को शॉक थेरेपी रहेगा. हेलो. मैं शॉक देगी इसको. अच्छा सुनो मेरी बात. इधर लो बड़ा मजा आता है. मैंने लिया था. बड़ा मजा आता है. अबे तेरा टेस्ट नहीं ले रहे हम लोग. मशीन का टेस्ट ले रहे. ले हमने मशीन गुड्डू से लिया ना. अगर तू बच गया तो मशीन ठीक है. अगर तू मर गया तो गुड्डू के पैसे काट लेंगे. चौक दो इधर दो. कैसे लगा. अच्छा लगा. अरे मस्त मशीन चल रही है डॉक्टर साहब. हाँ गुड्डू का बिल काट डालो. अरे मुझे छोड़ दो. मैंने आपसे रास्ता पूछा. गलती हो गई मुझसे. ओह माय गॉड. इसका मतलब इसकी किडनी निकालनी पड़ेगी. और किडनी में जो गलतियां हो रही हैं, किडनी उसमें 2 गलतियां छुपी हैं. रोज सुबह शाम गलती होती है.
मुझे तुम्हारे पैर बिल्कुल पसंद नहीं आए। अब मेरे को पसंद नहीं आए। इसकी किडनी निकालो, पेट खोल दो, ऑपरेशन करना पड़ेगा ऑपरेशन। दो मिनट पहले तक मैं ठीक था, अभी अचानक ऑपरेशन कहाँ से आ गया? जिंदगी में सब कुछ अचानक ही होता है। हमारे पाजी के अचानक आई ना वो। हमारे इधर ऐसे ही रहते हैं। अभी ऑपरेशन के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। हाँ, मुंह खोलो। मुंह खोल के कौन सा फॉर्म भरते हैं? क्लोरोफॉर्म। एक काम करो, बॉडी खुल रही है, पूरी सर्विसिंग करा लो, माइलेज अच्छी दोगे। अच्छा पेट खोलो, पेट। हाँ। सीधा तेरे। अरे डॉक्टर साहब, इतने सारे नूडल्स। नूडल्स नहीं, अंतड़िया है मेरी। एक सेकंड, मेरे को लगा इतना मोटा मोटा चाउमीन है। एक मिनट, ये अपने अंदर फेफड़े गुर्दे छुपा के घूम रहा है। हेलो हेलो मीडिया, ये आदमी इधर ह्यूमन ऑर्गन की तस्करी कर रहा है, इसको आके पकड़ दो। अरे ये मेरा पर्सनल है। पर्सनल है? पर्सनल है। तो पेपर दिखा इसका। अरे अरे गुर्दे, गुर्दे का पेपर होता है क्या? अच्छा वाह, स्कूटर का पेपर हो सकता है, और जिन वजह से शरीर चल रहा है उसका पेपर कोई नहीं। देखो देखो, मुझे वापस पैक कर दो, मुझे घर जाना है। मुझसे अब नहीं, अब मुझसे खड़ा क्यों नहीं हुआ जा रहा है? हाँ, तेरा घुटने का कटोरी बदलना पड़ेगा। हाँ अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ। शरीर खुला है, सारी कटोरी, मैं तो कहता हूँ नया कटलरी सेट लगाते हैं। और सुनो मेरी बात। हाँ। इसके घुटने में कटोरी बदल दो। ओके। और सोने की नहीं लगाना। क्यों? लोहे की लगाना, पिछली बार मैंने सोने की लगाई थी, बुढ़िया के बुढ़िया चोरी हो गई। चलो इसके कटलरी सेट लगाओ। शरीया किस लिए? मजबूती के लिए। देख डॉक्टर साहब बहुत अच्छे आदमी है। हाँ। वरना ये प्लास्टिक का भी लगा सकते थे। हाँ। प्लास्टिक का लगाते ना, फिर धूप में से चलते चलते वो पिघल जाता, ऐसा हो जाता है। प्रॉब्लम होता है उसमें। अच्छा सपना। हाँ जी। शरीया गरम करके डाल दो। ए, ए, अरे गरम करके डालोगे तो मुझे दर्द होगा। अरे गरम मत करो। अच्छा जब तू गरम गरम रोटियां पेट में डालता है तब तेरे को दर्द नहीं होता? डाड़िए कहीं के सपना, डाल दरिया। अरे वाह, हाय हाय, एक और भर का आर्टिस्ट। अच्छा ये सुखराम जी है क्या यहाँ पे? अरे ये क्या हो गया आपको? आए आए, कितनी खूबसूरत बेटी आपकी। थैंक यू, लेकिन ये मेरे पापा नहीं है, मैं इनकी किरायेदार हूँ। तेरे को शर्म नहीं आती जवान लड़कियों को किराए पर रखता है? पहले बताइए इन्हें हुआ क्या है? आपने आने में बहुत देर कर दी। मतलब अब ये? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम बोर हो रहे थे इसलिए बोला, आपने आने में देर कर दी। और आने का मम्मी डैडी ने सिखाया नहीं क्या आपको? क्या ऐसा हॉस्पिटल जाने का तो गुलदस्ता, बियर, तंदूरी विंदूरी लेके आने का। एक सेकंड, कौन सा पेशेंट बियर पीता है? सारा पेशेंट के बारे में सोचना, डॉक्टर भी तो होते हैं। चॉकलेट डे वाले दिन चॉकलेट लेती कि नहीं लेती तुम? है हमारे टाइम पे कुछ लेके नहीं आई, मुकरी लाल की बेटी, लिखो #, कंजूस लड़कियां। अंकल को हुआ क्या है? क्योंकि जब सुबह मिले थे तो बिल्कुल ठीक थे। और तुम दोनों सुबह सुबह मिलते हो, ये तुम्हारी बीवी को पता है? पता है। अरे अंकल मैं क्या बोलती है, ये बाहर के आर्टिस्ट को बाहर निकालो। खबरदार, ग्लैमर को कुछ कहा तो मारूंगा तेरे कान पे। इस बदतमीजी करने के जुर्म में मैं तुम्हें 10 मिनट के लिए नौकरी से निकालता हूँ। ठीक है, जाती है मैं, कोई बात नहीं। तुम्हारी शादी हो गई? एंगेजमेंट हो गई है मेरी। अच्छा तो एंगेजमेंट से पहले डॉक्टर से पूछा था? डॉक्टर से क्यों पूछना है? थोड़ी सी गैस हो जाए तो डॉक्टर से पूछती हो। एंगेजमेंट हो रही है और डॉक्टर से पूछ ही नहीं रही। वाह वाह, कल के दिन तुम्हारी शादी हो गई। हाँ। और जो लड़का है वो अगर लड़की निकला तो अपनी एंगेजमेंट कैंसिल करो। लेकिन एंगेजमेंट कैंसिल कैसे करते हैं? बोलो पेंसिल। पेंसिल। तेरी एंगेजमेंट कैंसिल, लो।
ये बात छोड़िए, पहले मुझे ये बताइए कि आप अंकल को जल्दी से ठीक कीजिए, नहीं तो मैं पुलिस को बुला रही हूँ। इससे पहले कि पुलिस आ जाए, इस डॉक्टरी और पेशेंटी को रिश्तेदारी में बदल लेते। अरे यार तुम फ्लर्ट कर रहे हो या मेरी जान जा रही है? नहीं करूंगा तो मेरी जानू चली जाएगी, चुप करके लेट। हेलो, मैं तुम्हारी जानू नहीं हूँ, और वैसे भी अगले महीने मेरी शादी है। तुमने कोई शादी का कार्ड नहीं दिया? पेट तेरा खुला पड़ा, पैर में तेरे सरिया घुसा हुआ है, शादी का कार्ड लेके किधर जाएगा तू? मारूंगा तेरे।